एक माँ तीन बच्चे को ले कर पाल के बैठती थी काम करके, और एक दिन बड़ी बेटी बड़ी होती गई, दो लड़के छोटे थे। उसके बाद माँ ने ये सोचा कि चलो बेटी का शादी कर लूँ तो कहीं मेरा भी सहारा ना बन जाएंगे, चलो बेटी का घर बन जाएगा, अच्छा है। उस टाइम बाल विवाह भी हुआ करता था। अरे वो माँ ने एक लड़का ढूंढ के लड़की का शादी कर दी। उसके बाद चलो एक महीना दो महीना चार महीना ठीक ही रहा। उसके बाद उसको दहेज के मांग करने लगे और परेशान बेटी को परेशान करने लगे। उल्टा माँ तो दो बच्चे लड़के थे वो परेशान थी, और बेटी का उल्टा परेशान देखे और परेशान होने लगी। और उसने कैसे करके कभी 50 मांग रहे कभी 1 लाख मांग रहे, चलो वो कहीं ना कहीं से करके ले आके देती थी। उसके बाद क्या हुआ, अब आपकी बेटी घर ले जाना हो तो मेरे को मकान चाहिए बोला होगा, बोला। खैर वो माँ ने क्या करी, अपने जानने वालों से थोड़ा बहुत पैसे उधार ले आके छोटा एक मकान 2 कमरे का बना के उसको घर भेजी। खैर घर जाने के बाद और टोचर होने के बाद खैर ज़्यादा पैसे मांग करने लगे, 4 लाख लो 5 लाख लो। खैर माँ ने हाथ जोड़ दी, मजबूर हो के हाथ जोड़ दी, उसके पास था ही नहीं, कहाँ से देगी। इसलिए फिर अपनी एक छोटी सी बेटी और अपनी बीवी करके ले आके वही माँ के पास छोड़ दी। वो तो वो लोग तो और बेसहारा हो गए। फिर भी माँ हिम्मत वाली थी, उसने क्या करा, चलो एक दिन तो लेना अपने बेटी के प्यार में आ ही जाएगा करके देखती रही पालती रही। दोनों माँ बेटी कमा के वो बेटी का देखभाल करते रहे। एक दिन खबर आ गई कि वो वहाँ पे शादी कर ली। फिर वो उसने टेंशन लेना लगी। एक दिन वो अंदर अंदर गम से अपना दुनिया छोड़ बैठी, और उसके बाद दुख सुख करके वो नातिन और नानी गुजारा, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं करके गुजारा करते हैं। इसीलिए कभी भी कहीं भी किसी ने भी किसी को इतनी